हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल राज। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं सिंपैक्स 3600 ट्राइपॉड की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और मुझे ये 1600 रुपीज़ का पड़ा है और इसके मैनुअल्स भी ऊपर में ही इसके कवर पर ही दिए गए हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो, इसमें थ्री वे हेड दिया गया है, मतलब कि आप इसे तीन डायरेक्शन में रोटेट कर पाओगे और क्विक रिलीज़ भी दिया गया है ताकि आप अपने कैमरे को इससे क्विक रिलीज़ कर पाओगे। कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट अगर कोई मोमेंट है तो वो छूटे ना। बबल लेवल दिया गया है ताकि ट्राइपॉड को आप अच्छे से एडजस्ट कर पाओ और फ्लिप लेग लेग लॉक दिया गया है ताकि आप इसे जल्दी से जल्दी कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर पाओ। स्पेसिफिकेशन कुछ दिए गए हैं, जैसे कि फोल्डेडेड हाइट है इसका 640 mm, मैक्सिमम ऑपरेटिंग हाइट है 1640 mm जो कि काफ़ी अच्छा हाइट है, और मिनिमम ऑपरेटिंग हाइट है 625 mm। इसका वेट है 1.55 kg और लोडेड वेट है 4 kg, मतलब कि 4 kg तक का ये वेट सह सकता है। तो चलिए इसको जल्दी से हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। इसे हम रखते हैं साइड में और ये बैग दिया गया है जो कि ट्राइपॉड को लेकर ट्रैवलिंग में हमारी मदद करेगी। अभी हम रखते हैं साइड में, इसे जल्दी से ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा ट्राइपॉड। इसमें 3600 लिखा गया है और इसे हम ओपन करते हैं जल्दी से। बहुत सारे बिगनर्स सोचते हैं कि आखिर कौन सा ट्राइपॉड लूं, बजट भी उनका काफ़ी हाई नहीं होता है। तो DSLR अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम मैं यही कहूँगा कि 1500 से ऊपर का ही लेने के लिए, मतलब कि 1500 से ज़्यादा का लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस का अगर ट्राइपॉड लोगे तो वो आपके DSLR के लिए अच्छा नहीं होगा और जो वेट होता है DSLR का वो सह नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी देखकर काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके लेग्स को जब भी आप ओपन कीजिएगा तो इसे ऊपर से, टॉप से हम ओपन करेंगे, ठीक है। इसका बॉटम पहले नहीं रिलीज़ करेंगे, टॉप से ओपन इसलिए क्योंकि अगर हाइट भी एडजस्ट करना है तो स्टेबल रहेगा ये। और इसका जो लेग दिया गया है ये कंडीशंस के हिसाब से खुद से एडजस्ट कर लेगा। तो इसे हम ओपन करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। और एक लेग मैं ओपन नहीं किया हूँ क्योंकि अगर ओपन करूँगा तो ये फ्रेम में नहीं आ पाएगा। ये जो है फ्रेंड्स, ये आपको अप डाउन आगे पीछे रोटेट करने में हेल्प करेगा और इसे यहीं से हम टाइट भी कर सकते हैं। अब ये रोटेट नहीं हो रहा है, इसे लूज़ करके हम रोटेट कर सकते हैं। फिर एक बगल में यहाँ पे है, इसे हम लूज़ करेंगे तो लेफ़्ट राइट आप इसको रोटेट कर सकते हो। उसके बाद ट्राइपॉड को हैंडल उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक हैंडल दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। 1600 में मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फीचर आपको और कोई ट्राइपॉड में नहीं मिलेगा, तो इसलिए काफ़ी रिव्यूज़ और काफ़ी वीडियोस देखने के बाद मैंने इसे परचेज किया है। और जो क्विक रिलीज़ की मैं बात कर रहा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आप कैमरा में इसे आप कैमरा में यहाँ से टाइट कर सकते हो और कैमरा में इसे लगा कर
आप इसमें लगा सकते हो। तो कैमरा अगर इसमें लगा है तो तुरंत इसे लेके एक जगह से दूसरे जगह जाना है, या कैमरा को अगर इसे रिलीज करना है तो आप इस क्विक रिलीज की मदद से आसानी से कर सकते हो। फिर इसमें ये भी ऑप्शन है ताकि अगर पोर्ट्रेट शॉट आपको लेना है तो आप इसे आसानी से इस तरह से ले सकते हो। लेकिन अगर आपके DSLR का वेट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये कभी कभी DSLR लूज़ भी हो जाता है इसमें ज़्यादा वेट हो जाने के वजह से। और इस तरह से इसे लूज करके हम इसके हेड के हाइट को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो फ्रेंड्स। इसका एक लेग अभी खोलना बाकी रह गया था, जिसे मैं ओपन करके बता देता हूँ। लॉक फ्लिप लॉक दिया गया है ताकि आप इसे क्विक एडजस्ट कर सको। और लॉक ओपन कर देने के बाद इसका हाइट काफ़ी अच्छा हो आपको मिलेगा। इसमें एक यहाँ नीचे में एक बैग होल्डर भी दिया गया है, आप बैग को, कैमरा के बैग को या किसी भी बैग को यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। इसमें आपको जो बबल्स मैं बताया था वीडियो के शुरुआत में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो ट्राइपॉड को, अपने कैमरे को। और एक ये यहाँ पे है, इसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसे सेंटर में लाके आप ट्राइपॉड सीधा खड़ा है या नहीं वो आपको पता चलेगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कोई अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा आए और आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय।